हेलो बच्चों, आज हम फिजिक्स की बात करेंगे। फिजिक्स में आप साइंस भी कह सकते हैं, आज जनरल स्टडीज भी कह सकते हैं। और फिजिक्स का मैं एक टॉपिक लेकर आया हूँ आपको, आप इक्वेशन ऑफ मोशंस आप सभी ने पढ़ रखा होगा, बाकी इसे रिवाइज करते हैं बहुत अच्छी तरीके से, और जिन्होंने नहीं पढ़ रखा है वो ध्यान से समझे और देख लें। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो आज का जो टॉपिक है बच्चों वो है इक्वेशन ऑफ मोशंस। इन्हें हिंदी में जो है गति की समीकरण कह देते हैं। तीन इक्वेशन होती हैं जिन्हें हम इक्वेशन ऑफ मोशंस कहते हैं। इन्हें पहले मैं बताऊं कि इनमें क्या डिफरेंस है और जो कौन सा वेरिएबल है वो किसे डिनोट करता है। उसके बाद इनका जो फिजिक्स के अंदर है वो काफ़ी यूज़ है, उसे हम देखेंगे और समझेंगे। ठीक है, तो आज जो मेरा टॉपिक है वो है इक्वेशन ऑफ मोशंस। तो तीन इक्वेशन ऑफ मोशंस होती हैं, उसमें जो पहली होती है वो होती है वी इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। उसके बाद जो दूसरी होती है वो होती है वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू ए एस। और जो तीसरी इक्वेशन होती है वो होती है एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ये तीन इक्वेशन ऑफ मोशंस होती हैं जो फिजिक्स में काफ़ी कैलकुलेशन के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो इसमें पहले जितने वेरिएबल्स आए हैं उनकी बात कर लेते हैं। तो ये जो यू है, इस यू का मतलब होता है इनिशियल वेलोसिटी। इनिशियल वेलोसिटी से मतलब प्रारंभिक वेग बोलेंगे हिंदी में, कि जब भी कोई वस्तु मूवमेंट में आना शुरू होगी तो जो उसकी इनिशियल वेलोसिटी होती है उसे हम यू से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक, उसके बाद है वी। वी का मतलब होता है बच्चों फाइनल वेलोसिटी। जब मूवमेंट या मोशन खत्म होगा तो खत्म होते समय जो उसके अंदर वेलोसिटी होगी उसे हम बोलते हैं वी, जिसे हम बोल रहे हैं फाइनल वेलोसिटी। उसके बाद जो ए है, ए का मतलब होता है एक्सीलरेशन। एक्सीलरेशन को हिंदी में जो है त्वरण कह देते हैं। दोनों भाषाओं में बोलते रहता हूँ मैं, आप लोगों को कहीं कोई दिक्कत ना हो, क्योंकि आपका मीडियम हिंदी भी हो सकता है और इंग्लिश भी हो सकता है। तो एक्सीलरेशन इज रिप्रेजेंटेड बाई स्मॉल ए, और टी का मतलब जो ऑब्वियसली आप जान रहे हो क्या है, टाइम, यानी कि समय। इससे अलग जो इसे बन गया ऐसे तो वी यू ए और एस ही है, और जो टू है टू क्या है, कॉन्स्टेंट है, एस हो गया है। एस का जो मतलब होता है यहाँ पे होता है डिस्प्लेसमेंट, जिसे हिंदी में कह देते हैं विस्थापन। आप इसे एस से भी रिप्रेजेंट कर देते हैं और एस से भी रिप्रेजेंट कर देते हैं। अगर मान लिया इस तरह से लीनियर मूवमेंट आ रहा है, इस तरह से कोई कार या कोई बाइक जा रही है, तो उसे आप एस से रिप्रेजेंट कर देते हैं, डी भी कह देते हैं डिस्टेंस। हालांकि डिस्टेंस में और डिस्प्लेसमेंट में भी अंतर होता है, वो मैं बताऊंगा अभी आपको। और अगर मान लिया वर्टिकल मूवमेंट है तो वहाँ पे क्या आ जाती है, हाइट आ जाती है, तो फिर एस की जगह हम एच भी लिख सकते हैं। इस तरह एस हो गया, यू हो गया, टी हो गया, तो जितने भी वेरिएबल्स में आए ये किस किस चीज़ को प्रदर्शित कर रहे हैं वो मैंने आपको बता दिया। अब इससे आगे चलते हैं, पहले इसे समझते हैं एक्सेलरेशन क्या होता है। एक इंग्लिश का शब्द आपने सुना होगा, वो होता है एक्सेलरेट। एक्सेलरेटर मतलब जब मान लिया सपोज हम बाइक जा रहे हैं और बाइक में हम स्पीड बढ़ाएंगे तो उसे एक्सेलरेट करना कहते हैं। डैट मीन्स अगर मान लिया स्पीड बढ़ रही है तो उसे हम क्या बोलेंगे, एक्सेलरेशन बोलेंगे, और इट इज रिप्रेजेंटेड बाई ए। और इसकी जो यूनिट होती है वो होती है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यूनिट कहाँ से आती हैं, फार्मूले से आती हैं। अगर मान लिया हम कहें कि भाई एक्सेलरेशन का फार्मूला क्या होता है, तो ये होता है डेल्टा वी अपॉन टी। डेल्टा किसे डिनोट करता है, चेंज को। फिजिक्स के अंदर, मैथमेटिक्स के अंदर तो ये ट्रायंगल जो है एरिया को डिनोट करता है, लेकिन साइंस के अंदर ये करता है चेंज को, कि चेंज कितना हो रहा है। तो चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, कि वेलोसिटी जो है पर सेकंड के रेस्पेक्ट में कितना चेंज कर रही है। इनकी रेशो को हम क्या बोलते हैं, एक्सेलरेशन बोलते हैं। और जो वी है वेलोसिटी, इसकी जो यूनिट होती है वो क्या होती है, मीटर पर सेकेंड होती है। और जो टाइम है इसकी भी क्या होती है, सेकेंड। फिर इसकी मल्टीप्लाई इसमें हो जाएगी और इस तरह से इसकी यूनिट क्या आ जाएगी, मीटर पर सेकंड स्क्वायर इसकी यूनिट आ जाएगी। तो ऑब्वियसली हम जानते हैं कि जितनी भी यूनिट हैं सब फॉर्मूले से ही निकलती हैं। अब जैसे इनिशियल वेलोसिटी है तो वेलोसिटी की यूनिट क्या होती है, मीटर पर सेकंड, जैसे मैंने अभी बताया आपको। ये भी वेलोसिटी है, इसकी क्या होगी, मीटर पर सेकेंड। और टाइम की क्या होती है, सिर्फ सेकेंड। ठीक, और डिस्प्लेसमेंट की क्या होगी, मीटर। ठीक, ये आपने पढ़ रखा होगा कि एक एम के एस सिस्टम होता है, एक होता है सी जी एस सिस्टम। एम के एस का मतलब क्या होता है, मीटर किलोग्राम सेकंड, और सी जी एस का मतलब क्या होता है, सेंटीमीटर ग्राम सेकंड। तो इसमें मीटर और सेंटीमीटर किसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, दोनों के दोनों डिस्टेंस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं।
दूरी को, और किलोग्राम और ग्राम किसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, मास को, यानी इसे हिंदी में द्रव्यमान कह देते हैं। और यहाँ भी ऐसे है और यहाँ भी ऐसे है, सेकंड किसे कर रहा है, टाइम को। ये तो हो गया डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस, ये हो गया मास यानी कि द्रव्यमान, और ये हो गया टाइम। तो ये दो सिस्टम होते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि मीटर, किलोग्राम और सेकंड तो एक साथ रहेंगे, और सेंटीमीटर, ग्राम और सेकंड एक साथ रहेंगे, लेकिन दोनों सिस्टम का कॉमन बात क्या है, सेकंड। डेट मीन्स एम के सिस्टम हो या सी जी ए सिस्टम हो, दोनों में जो टाइम की जो यूनिट ली जाएगी वो सेकंड ही ली जाएगी। अगर किसी क्वेश्चन में मिनट दे रखे हों या किसी क्वेश्चन में आवर्स दे रखे हों, तो आपको हो सकता है क्वेश्चन पढ़ने के बाद सेकंड में चेंज करना पड़े, ठीक, ताकि बैलेंस हो जाए, ठीक। लेकिन सेंटीमीटर के साथ हमेशा ग्राम रहेगा और मीटर के साथ हमेशा किलोग्राम रहेगी, के जी रहेगा। हालांकि यहाँ मास की तो कोई है ही नहीं, कोई एंट्री नहीं है मास की, बाकी मैंने थोड़ा सा अलग से बता दिया आपको। तो मैंने बताया कि वी, यू, ए, टी और एस क्या हैं और इनकी यूनिट क्या है। इसके बाद एक शब्द आता है जिसे बोलते हैं रिटार्डेशन। रिटार्डेशन तो हिंदी में बोला जाता है, मंदन बोल दिया जाता है। तो रिटार्डेशन कुछ और नहीं होता, जो एक्सेलरेशन होता है, जिसे मैंने बताया था त्वरण, इसका ये अपोजिट होता है। अपोजिट से मतलब अगर स्पीड कहीं बढ़ रही है, मान लिया आप बाइक एक्सेलरेट अप कर रहे हो, मतलब उसे स्पीड बढ़ाने का प्रयास कर रहे हो, तो योर बाइक इज गोइंग टू बी एक्सेलरेट, ठीक। लेकिन अगर मान लिया आपने ब्रेक लगा दिए, तो उसकी जो स्पीड है क्या हो रही है, धीरे धीरे कम हो रही है। तो स्पीड का कम होना इनवर्स रिटार्डेशन कहलाता है, जिसे हम हिंदी में क्या कहते हैं, मंदन। तो क्योंकि ये स्पीड को कम कर रहा है, तो ये अपने साथ जो लेता है माइनस साइन लेता है, और जो एक्सेलरेशन है ये स्पीड को बढ़ा रहा है, इसलिए अपने साथ क्या लेता है, प्लस का साइन लेता है। फॉर एग्जांपल, अगर कहीं ए इज इक्वल टू माइनस 1.2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर लिखा हुआ है, तो यहाँ लिखा हुआ ये ए है, ए का मतलब क्या है, एक्सेलरेशन, लेकिन ये माइनस है साथ में, इसका मतलब ये है कि जो स्पीड है वो इंक्रीज नहीं हो रही है, स्पीड जो है क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। और जब स्पीड डिक्रीज होगी तो मुझे एक्सेलरेशन नहीं कह सकते, क्या बोलेंगे, रिट्रार्डेशन बोलेंगे। तो ये मैंने आपको बता दिया कि एक्सेलरेशन में रिट्रार्डेशन में क्या डिफरेंस होता है। अगर स्पीड इंक्रीज हो रही है तो आप उसे एक्सेलरेट बोल रहे हो, एक्सेलरेशन बोल लेते हैं, और स्पीड डिक्रीज हो रही है तो आप उसे रिट्रार्डेशन या हिंदी में मंदन बोल लेते हैं। अब बात करते हैं वर्टिकल मूवमेंट की। मैंने बताया था लीनियर मूवमेंट है इस तरह से। अब जब हम वर्टिकल मूवमेंट की बात करेंगे, डैट मीन्स नीचे से किसी को ऊपर फेंक दिया जाए या फिर ऊपर से किसी को नीचे डाल दिया जाए, तो कुछ वेरिएबल चेंज हो जाएंगे। जैसे जो मैं अभी एस लिख रहा था, उसमें क्या आ जाएगा, एच आ जाएगा, क्योंकि जो एस है वो डिस्प्लेसमेंट को शो कर रहा है, और एच किसे कर रहा है, हाइट को शो कर रहा है। दूसरा, जो एक्सेलरेशन है या रिट्रार्डेशन है वो जी में कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि जब लीनियर मूवमेंट होता है तो वहाँ पे एक्सेलरेशन या रिट्रार्डेशन होता है, लेकिन जब वर्टिकल मूवमेंट आएगा तो क्या आ जाएगी, ग्रेविटी आ जाएगी, जो हम लोगों ने सभी ने पढ़ रखी है। और जी की वैल्यू क्या होती है, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये कांस्टेंट होता है, तो 9.8, ऐसा नहीं है कि पूरी अर्थ पे जी की वैल्यू 9.8 ही होती है, इसमें बहुत ही माइनर चेंजेस होते हैं। माइनर से मतलब 9.8 है तो कहीं 9.8001 या कहीं थोड़ा सा और ज़्यादा हो सकता है, लेकिन ऑन एन एवरेज जो जी की वैल्यू ली जाती है वो 9.8 ली जाती है। और क्योंकि ये भी एक तरह का एक्सीलरेशन है, इसलिए देखिए इसकी यूनिट भी क्या है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर ही है, क्योंकि ये तो ग्रेविटी से लिया गया है, क्योंकि जो मूवमेंट है वो लीनियर नहीं रहा, वो क्या हो गया है, वर्टिकल मूवमेंट हो गया, इसलिए जी आ गया। तो आई मीन टू से कि कोई चीज़ अगर नीचे से ऊपर फेंक दी जाए या ऊपर से नीचे डाल दी जाए, तो एस को एच में चेंज कर लीजिए और ए को जी में चेंज कर लीजिए, तो जो इक्वेशन ये होंगी आपकी वो यही रहेंगी, ना थोड़ा सा उनका रूप बदल जाएगा। जैसे फर्स्ट इक्वेशन थी वी इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, तो ये जगह यू प्लस जी टी हो जाएगा, क्योंकि ए की जगह क्या आ गया, अब जी आ गया। दूसरी बात, अगर आप किसी चीज़ को नीचे से ऊपर फेंक रहे हैं तो आप ग्रेविटी की अपोजिट डायरेक्शन में काम कर रहे हैं, क्योंकि ग्रेविटी तो हमेशा नीचे की तरफ एक्ट होती है, और आपने फेंक दिया उस चीज़ को ऊपर की तरफ, तो इसलिए जो जी का साइन होता है यहाँ पे वो माइनस में लिया जाता है। कब, जब आप किसी वस्तु को, किसी थिंग को नीचे से ऊपर फेंक रहे हैं तब, ठीक। लेकिन अगर कोई वस्तु ऊपर से आपने नीचे छोड़ दी, तो जो ग्रेविटी है उसकी डायरेक्शन भी नीचे की तरफ है, और जो बोल है, जो थिंग है जो ऊपर से नीचे आ रही है, उसकी डायरेक्शन भी नीचे की हो रही है, तब हमें जी जो है प्लस लेना पड़ेगा। तो ये बात ध्यान रखिए। डैट मीन्स दो फॉर्मूले बन सकते हैं,
एक प्लस का और एक माइनस का। अगर मान लिया आपने नीचे से ऊपर फेंका तो माइनस लेना पड़ेगा, और ऊपर से नीचे छोड़ दिया आपने तो प्लस लेना पड़ेगा। तो ये फर्स्ट इक्वेशन आ गई आपकी, इक्वेशन तो यही थी लेकिन जो चेंज होने के बाद आई, जो वर्टिकल मूवमेंट में चेंजेस हुए। फिर है बी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर, बी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस माइनस टू, एक जगह फिर जी आ गया, और ऐसी जगह क्या आ जाएगा, एच आ जाएगा। जैसे मैंने आपको समझाया कि ऐसी जगह एच आ जाएगा और एक जगह क्या आ जाएगा, जी आ जाएगा। प्लस माइनस में दोनों निशान लगा रहा हूँ जो मैंने अभी आपको समझाया। उसके बाद जो थर्ड इक्वेशन है बच्चों वो है एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, एस की जगह क्या आ जाएगा, एच आ जाएगा, इज इक्वल टू यू टी प्लस माइनस हाफ, एक ही जगह फिर जी आ गया और टी स्क्वायर। ठीक, तो आपने देखा कि क्वेश्चन अलग नहीं होती, क्वेश्चन तो सेम ही होती हैं, और यहाँ भी मैं प्लस माइनस निशान लगा सकता हूँ। क्यों? क्योंकि अगर एक्सीलरेशन हो रहा है तो प्लस का निशान आएगा, और जो मैंने अभी समझाया था रिटार्डेशन हो रहा है अगर तो माइनस का निशान आएगा। मतलब किसी क्वेश्चन में स्पीड इंक्रीज हो रही है तो प्लस लगाएं, और स्पीड डिक्रीज हो रही है तो माइनस लगाएं। तो जो मैंने आपको समझाया है बच्चों, इक्वेशन में मोशंस होती हैं। ठीक, इन इक्वेशन और मोशंस पे आपको बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं फिजिक्स में, बहुत सारी चीज़ें, जैसे आपने एक रूल पढ़ा होगा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, जैसे आप समझते हैं कि इसके अकॉर्डिंग क्या होता है कि इस ब्रह्मांड में जितनी भी ऊर्जा है वो कभी नष्ट नहीं होती, वो बस एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में चेंज होती रहती है। इसलिए हम हमेशा कहते हैं कि एनर्जी नाइदर कैन बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन बी ट्रांसफॉर्म इनटू वन फॉर्म इनटू अनदर फॉर्म। तो जब हम इसे प्रूफ करते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, यानी कि इसे हिंदी बोलते हैं ऊर्जा संरक्षण का नियम, जब हम इसे प्रूव करते हैं तो भी इक्वेशन ऑफ मोशन की जरूरत पड़ेगी, या बहुत सारे हमें न्यूमेरिकल्स करने होते हैं, ठीक, उनमें भी हमें इक्वेशन की जरूरत पड़ेगी। तो आज की क्लास में तो मैंने आपको समझाया कि इक्वेशन ऑफ मोशन क्या हैं, इनके फार्मूले क्या हैं, इनके जो ये साइन है वो किस तरह से चेंज होते हैं, और ये जो ए है बी है और यू है ये किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक, ये मैंने यहाँ डिस्प्लेसमेंट लिखा है, एक वर्ड होता है डिस्टेंस होता है, डिस्टेंस में और डिस्प्लेसमेंट में भी अंतर होता है, क्योंकि एक वेक्टर क्वांटिटी होती है और एक स्केलर क्वांटिटी होती है, जिसे हम सदिश राशियाँ या अदिश राशियाँ कह देते हैं हिंदी में, तो इनमें भी अंतर होता है, ये हम कहीं अगले वीडियो में पढ़ेंगे। बाकी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या हर एक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में कुछ ना कुछ लिंक दिए जाते हैं, तो वो जो लिंक है, जो हमारी वेबसाइट है एग्जीक्यूटिव मेकर्स, उसके लिंक हैं, उसमें जितने भी इंपॉर्टेंट बुक्स होती हैं, मान लिया मैथ्स की वीडियोस हैं तो आपको वहाँ मैथ्स बुक्स के लिंक मिल जाएंगे नीचे, या फिर आपको अब जैसे मैं साइंस पढ़ा रहा हूँ तो साइंस के लिंक मिल जाएंगे, क्विज मिल जाएंगे। तो आपको अगर मान लिया ज़्यादा से ज़्यादा स्टडी करनी है या ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चाहिए अपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए, तो वो लिंक पर क्लिक करें आप, और लिंक पर क्लिक करते के साथ ही आप हमारी वेबसाइट पर पहुँच जाएंगे और वहाँ पे आप उस चीज़ को पढ़ सकते हैं। अगर क्विज़ है तो वो चीज़ डायरेक्टली ओपन हो जाएगी क्विज़ में, लेकिन मान लिया बुक्स है कोई तो पहले उसका फ्रंट पेज आएगा, उसे आप थोड़ा सा ऊपर तक स्क्रॉल करेंगे तो नीचे आएगा व्यू टेस्ट पेपर या ओपन टेस्ट पेपर, वहाँ से आप क्लिक करेंगे वो चीज़ ओपन हो जाएगी और आप उसे फ्रीली पढ़ सकते हैं, ऐसे कोई चार्जेस नहीं है। ठीक, तो ये मुझे बताना था, तो जितनी भी ज़्यादा प्रैक्टिस हो जाए, कुछ मैं यहाँ करा रहा हूँ कुछ आप वहाँ करते रहें, तो मुझे लगता है काफ़ी अच्छा कोलेब्रेशन आपका हो जाएगा। चलिए इस वीडियो में इतना ही, बाकी जल्दी ही नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच।